हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग ओटी। ऑनलाइन टीचिंग ओटी के इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। तो सो जैसे कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्टेम सेल्स है या फिर इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो कि बहुत ही रेयर सुनने को आपको मिलते हैं और आप अक्सर उस तरह से सवाल करते हो। तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने सवाल किया जैसे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ये सवाल बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नीट और ग्रेजुएशन के अंदर तो शायद ही कभी देखने को मिलता होगा, लेकिन ये आईएएस और बाकी सिविल एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप को लेकर के। बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है जैसे हमारे अदर ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानना इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए इसके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, नो डाउट ये बहुत ही रेयर होता है, लाखों हज़ारों में किसी एक में ऐसा ब्लड ग्रुप जो होता है वो मौजूद होता है, इसे थोड़ा सा लोग इस तरफ थोड़ा सा कम ही जान पाते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में, तो जैसे कि इसको जानने के पहले इसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊंगा, तो इस वीडियो से आप किसी एडवांसमेंट या किसी जीन्स या फिर किसी सेलुलर या फिर किसी मॉलिक्यूलर लेवल पे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ बेसिक्स आपको सारी बातें इसके बारे में मैं बताऊंगा जो कि थोड़ा सा मॉलिक्यूलर भी होंगी, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको जानना है वो ये जानना है कि आखिर जो ये हमारा ब्लड ग्रुप होता है आखिर ये क्या होता है और क्यों ये ब्लड ग्रुप इतना नया होता है और क्यों ये इतना रेयर होता है। सबसे पहली बात देखिए, ध्यान में ये रखिएगा कि ये जो ब्लड ग्रुप होता है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम हमारे ए बी ओ और इसी तरीके के ब्लड ग्रुप से होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं या कह दो कुछ इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ों की कमी होती है जिसके कारण ये ब्लड ग्रुप बाकी ब्लड ग्रुप के मुकाबले थोड़े से अलग होते हैं। इसको समझने के पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये जो ब्लड ग्रुप है या फिर जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, ये क्या चीज़ें होती हैं, तो आपके लिए वीडियो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ एक आरबीसी की, तो एक आरबीसी के ऊपर कई एंटीजन्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे आपने एक एंटीजन का नाम पढ़ा है आरएच एंटीजन, राइट, तो उसी तरीके से किसी भी आरबीसी के ऊपर कई एंटीजन मौजूद होते हैं, जैसे कि डफी है, केल है, ये सारे एंटीजन्स होते हैं जो कि हमारे किसी आरबीसी के ऊपर मौजूद होते हैं। जब हम किसी भी डोनर को किसी रेसिपिएंट के अंदर हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज कराते हैं, उसको चढ़ाते हैं ब्लड को, तो क्या होता है कि उनके जो एंटीजन्स होते हैं वो आपस में क्या करने चाहिए, मैच करने चाहिए, ठीक है ना। अगर मैच नहीं करता है तो जो वो वाली जो ब्लड ग्रुप है जिसके पास वो एंटीजन मौजूद है वो दूसरे एंटीजन को उस दूसरे ब्लड को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, मार देगा, किल कर देगा। जैसे कि आप आरएच के केस में देखते थे, अगर कोई आरएच पॉजिटिव है, अब आरएच पॉजिटिव किसको कहते हैं, जिसके अंदर आरएच एंटीजन होता था, उसी तरीके से अगर किसी के अंदर केल एंटीजन है तो हम उसको बोलेंगे केल पॉजिटिव, डफी एंटीजन उसको बोलेंगे डफी पॉजिटिव। अभी आपको हर एक चीज़ में बेसिकली जोड़ के दिखाऊंगा। उसी तरह अगर किसी के पास आरएच एंटीजन है तो हम बोल देते उसको आरएच पॉजिटिव, और किसी के अंदर अगर वो नहीं होता था तो उसको हम बोल देते थे कि ये हमारा आरएच नेगेटिव चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी है किसके बारे में, एंटीजन के बारे में जानना ज़रूरी है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि किसी भी एंटीजन्स को बनाने के लिए लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अलग अलग एंटीजन्स जो होते हैं वो हमारे अलग अलग तरह की चीज़ों से डिराइव्ड होते हैं, जैसे कुछ हमारे प्रोटीन से, कुछ हमारे कार्बोहाइड्रेट से, कुछ हमारे लिपिड से, ठीक है। अलग अलग तरह की चीज़ों से क्या होते हैं, ये हमारे डिराइव्ड होते हैं, मतलब कि इनके लिए एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह ये काम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, ब्लड बताया, जैसे हमारी आरबीसी, उस पर हमारे कई एंटीजन्स मौजूद होते हैं जिनके बेसिस पे हम उनको जो है आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, केल पॉजिटिव, केल नेगेटिव, डफी पॉजिटिव, डफी नेगेटिव, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे बोलते हैं। अब अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप की, तो जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली जो होता है वो डिराइव्ड होता है, ये ब्लड ग्रुप डिराइव्ड होता है किससे, ये ब्लड ग्रुप डिराइव्ड होता है हमारे एक कार्बोहाइड्रेट से, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। जो ब्लड ग्रुप हमारा कार्बोहाइड्रेट से डिराइव होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, यहाँ पे हमारा एक एंटीजन पाया जाता है, उस एंटीजन का नाम होता है एच एंटीजन, ठीक है। जो ये हमारा एच एंटीजन होता है ये बेसिकली हमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर देखने को मिलता है, कौन सा एंटीजन, एच एंटीजन। इस बात को आप अभी से नोटिस करना शुरू कर दो कि जो हमारा ए बी ओ ब्लड ग्रुप है वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंटीजन उस पर पाया जाता है, और वो एंटीजन कौन सा होता है, वो एंटीजन होता है हमारा एच एंटीजन जो कि कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। तो एच एंटीजन का जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो सारे हमारे जो भी हमारा ए ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसके अंदर हमें एच एंटीजन देखने को मिलता है।
अब अगर हम बात करें एच एंटीजन के स्ट्रक्चर की, तो एच एंटीजन का स्ट्रक्चर आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा, और एच एंटीजन के ऊपर आपको कई तरीके के और भी केमिकल्स और एंजाइम्स देखने को मिलते। तो हमारे एच एंटीजन के ऊपर कई चीज़ें जो होती हैं वो आपको मौजूद दिख रही हैं, जैसे कि हमारा ग्लूकोज दिख रहा होगा आपको, गैलेक्टोज दिख रहा है, एनएसिटिल ग्लूकोसामिन दिख रहा है, ये सारे जो स्ट्रक्चर पे किसके स्ट्रक्चर पे मौजूद होते हैं, ये सभी जो है वो हमारे मौजूद होते हैं एच एंटीजन के ऊपर। जब यही एच एंटीजन हमारा कई डिफरेंट तरह के एंजाइम के साथ में रिएक्शन करता है, तो कई वो अलग तरीके के एंजाइम्स के कई अलग तरीके के एंटीजन्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर यही एच एंटीजन जो है वो हमारा किसके साथ में रिएक्शन कर जाए, एन एसिटिल गैलेक्टोज के साथ में, ठीक है, तो वो जो है वो बेसिकली जाकर के एन एसिटिल गैलेक्टोज बाइंड करेगा हमारा दूसरे एच एंटीजन पे जाकर के बाइंड करेगा, और वो एच एंटीजन कन्वर्टेड हो जाएगा ए एंटीजन में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ए एंटीजन, मतलब अब हम उसको क्या बोलेंगे, ए एंटीजन। तो समझ में आ गया किसका मैंने नाम लिया, एन एसिटिल गैलेक्टोज। अगर हमारा एच एंटीजन के साथ में एन एसिटिल गैलेक्टोज बाइंड है तो ए एंटीजन कहेंगे, और अगर हमारा एच एंटीजन के साथ में गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बाइंड है तो हम लोग उसको बोल देते हैं, मतलब या तो गैलेक्टोज बाइंड है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि हमारा बी एंटीजन है। ठीक, इसको हम लोग और सिंपली तरीके से इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो तो सबसे पहले आपको एक, मैंने सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप लिया है, फिर हमने बी ब्लड ग्रुप लिया है, फिर हमने ए बी लिया है, और फिर हमने वहां पे दूसरी तरफ हमने ओ ब्लड ग्रुप को लिया हुआ है। जो आपको ए ब्लड ग्रुप दिख रहा है वहां पे आपको ए एंटीजन मौजूद दिख रहा होगा, और जहां पे ए एंटीजन आपको मौजूद दिख रहा है वहां पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे एन एसिटिल गैलेक्टोज मौजूद है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए के नाम से जान रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें दूसरे वाले डायग्राम में, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक तो एच एंटीजन देखने को मिल रहा है जो ब्लू कलर का है, वो हमारा क्या है, बेसिकली एच एंटीजन है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जो आपको ब्लू कलर के स्पॉटेड बीच में दिखाई दे रहे हैं ये हमारा एच एंटीजन है। अगर हमारे एच एंटीजन में कौन सा चीज़ मौजूद है, गैलेक्टोज मौजूद है, तो वहाँ पे हमें कौन सा ब्लड ग्रुप अपीयर हो रहा है, तब हमें वहाँ पे बी ब्लड ग्रुप अपीयर हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ उसके नीचे डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर हमें एच एंटीजन और उसके साथ में हमें ए मतलब एन एसिटिल गैलेक्टोज और गैलेक्टोज दोनों दिखाई दे रहा है, मतलब कि ए और बी ब्लड एंटीजन दोनों मौजूद दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं, इसके साथ में भी एच एंटीजन मौजूद होते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ए ब्लड ग्रुप किसको कहेंगे मैंने आपको बता दिया ना, और बी ब्लड ग्रुप किसको कहेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एच एंटीजन सभी के अंदर क्या है, कंपलसरी है, चाहे फिर वो ए हो, चाहे फिर वो ए बी हो, फिर वो चाहे ओ हो। अगर आप चौथा वाला ओ की तरफ अगर आप डायग्राम को देखोगे तो उसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, एच एंटीजन मौजूद दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ना तो ए दिखाई दे रहा है ना तो बी दिखाई दे रहा है, मतलब उनके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद नहीं है, जिसके कारण हमें ए और बी ब्लड ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ए और बी एंटीजन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसको इस चार्ट के मीडियम से भी समझेंगे तो हमें ये चीज़ बहुत ही सिंपल समझ में आ जाएगा कि ए जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर एच एंटीजन और ए एंटीजन दोनों मौजूद होते हैं, किसके अंदर, ए ब्लड ग्रुप के अंदर। बी ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो बी ब्लड ग्रुप में आपको एच एंटीजन देखने को मिलता है और साथ में बी एंटीजन देखने को मिलता है। अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके अंदर हमें ना तो ए देखने को मिलता है ना तो बी देखने को मिलता है, हमें केवल क्या देखने को मिलता है, एच एंटीजन ही देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें ए बी ब्लड ग्रुप की तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर हमें एच एंटीजन देखने को मिलता है, ए एंटीजन देखने को मिलता है और बी एंटीजन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि सर ये तो आपने बता दिया सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो नहीं एक्सप्लेन हुआ। तो यहाँ से अब शुरुआत होती है बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। देखिए, जैसे आप लोग एच एंटीजन के बारे में जानते हो तो एच एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप बने, ए बी ओ ब्लड ग्रुप में से कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप हमारा जरूर बनेगा। लेकिन अगर सोचो कि उसके अंदर एच एंटीजन ही ना हो, अगर उसके अंदर एच एंटीजन नहीं होगा तो ना तो ए ब्लड ग्रुप बनेगा, ना तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा और ना ही ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। मतलब ये जो एंटीजन है, एच एंटीजन अगर नहीं है, अगर एच एंटीजन मौजूद नहीं है तो उस ब्लड के अंदर किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा। तो बॉम्बे जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर हमें एच एंटीजन देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण हम लोग इसको कहते हैं ना तो ये ए है, ना तो ये बी है, ना तो ये ओ है। ये बेसिकली हमारा एक नए तरीके का, एक अलग तरीके का ब्लड सिस्टम है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्लियर समझ में आ गई मेरी बात की नहीं?
कि एच जो था वो हमारे ए बी ओ के लिए जरूरी था, ए ब्लड ग्रुप के लिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए और ओ ब्लड ग्रुप के लिए। लेकिन चूंकि तीनों चीजें इसके अंदर नहीं है ना, तो क्योंकि तीनों चीजें किससे आ रही थी, तीनों चीजें तभी बन रही थी जब उसके साथ में एच एंटीजन बाइंड होता था, करेक्ट। लेकिन यहां पे तीनों चीजों के साथ में एच एंटीजन बाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि एच एंटीजन है ही नहीं है, इसलिए इस ब्लड ग्रुप के अंदर आपको ये तीनों सिस्टम से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, कौन, एच एंटीजन वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो। तो इस तरीके से आपका जो एच एंटीजन ब्लड ग्रुप था वो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप था वो आपको समझ में आ गया कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर हमें एच एंटीजन ही देखने को नहीं मिलता है, इसलिए दूसरे ब्लड ग्रुप के मुकाबले अलग होता है। अब बात खड़ी होती है कि यार चलो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें तो अलग सी हैं, और लेकिन इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसे पड़ा है, क्या पड़ा है, इसके बारे में थोड़ी सी इसके हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर वाई एम बेंड्रे ने 1952 के अंदर इस चीज़ को क्लासिफाई किया हुआ था, किसको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को, और इन्होंने बताया कि जो पारसी कम्युनिटीज़ होती है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक, यहाँ पे जहाँ पे थोड़ी सी मुस्लिम कम्युनिटी या पारसी कम्युनिटी होती, पारसी कम्युनिटी बोलो, मुस्लिम नहीं, पारसी कम्युनिटी के अंदर ये ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिले, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप थे, मुश्किल से 100-150 लोगों के अंदर ये रिकॉर्ड किए गए। अगर मैं बात करूँ आंकड़ों की, तो बहरहाल इसके आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन लाखों की संख्या में, लाखों में से किसी एक के अंदर ये ब्लड ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब कहीं कहीं रिसर्च पेपर में 10,000 के आंकड़े बताए गए हैं, कहीं कहीं पे कुछ अलग अलग बताए गए हैं। तो ये ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है। अगर किसी का ये जो ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो क्या असर पड़ता है, देखिए जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि अलग अलग एंटीजन्स के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होना ज़रूरी है। रीज़न क्यों ज़रूरी क्यों है भाई, अगर आप जानना क्यों ज़रूरी है, आपको एच एंटीजन जानना क्यों ज़रूरी है, एंटीजन क्यों ज़रूरी है, तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताया हुआ है कि भाई एंटीजन आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सेम एंटीजन वाले ब्लड को किसी दूसरे में नहीं चढ़ाओगे, या फिर अगर आप ए वाले ब्लड ग्रुप में बी वाले ब्लड ग्रुप का चढ़ा दोगे ब्लड, तो रीज़न क्या हो जाएगा, रीज़न ये होगा कि उसके अंदर कई ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस होंगे जो कि उस ब्लड ग्रुप को ख़त्म कर देंगे। मान लो कि कोई डोनर है बी और कोई रेसिपियंट है ए, तो अगर आप उस बी वाले का खून जो है वो ए वाले में चढ़ा दोगे तो जाहिर तौर पर ए वाला उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, है ना, समझ में आ रही मेरी बात की नहीं। तो इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप क्या होता है जानना बहुत ज़रूरी, तो साथ में एंटीजन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब समझ में ये आता है कि सर ठीक है आरएच का तो इतना ज़्यादा रोल दिखाते हैं, बाकी एंटीजन जो मौजूद हैं आरबीसी के ऊपर उनका रोल क्यों नहीं दिखाते। देखो सिंपल सी बात है कि जो आरएच होता है उससे एक बहुत ही भयानक डिजीज़ होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, ठीक है ना, आप सभी जानते हो। अब ये जो डिजीज़ होती है ना वो क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, बहुत कॉमन होती है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी देना लोगों को ज़रूरी होता है कि भाई आरएच का टेस्ट जरूर करवाओ। लेकिन साथ में अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि भाई कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे मान लो कैल आपने देखा एंटीजन, अगर इससे कोई डिजीज होती है तो हमें कैल के बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन आपके जितने एंटीजन आप मैच करा सको आपको कराना चाहिए, जिससे कि जो रिस्क एक टर्म होता है वो उसकी संभावनाएँ आपकी ज़िंदगी में कम हो जाएंगी। तो दो तीन चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर। एक आपको एच एंटीजन रखना है, क्योंकि दो स्मॉल एच जब हम लेते हैं, दो रिसेसिव जो हमारा लेते हैं, जब जीन लेते हैं दो रिसेसिव एच एच जब लेते हैं तो उसी से जो होता है वो एक्सप्रेस होता है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। मतलब कि ये शो करता है कि जिसके अंदर भी हमारे एच एंटीजन, मतलब कैपिटल एच एंटीजन मौजूद नहीं होंगे, वो हमारा बेसिकली क्या होगा, वही हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अंदर आएगा। क्योंकि जिसके अंदर भी एच एंटीजन मौजूद होगा तो आपको पता है वो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा या तो ए बी होगा, मतलब वो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर आएगा जिसके अंदर एच एंटीजन मौजूद होगा। लेकिन अगर किसी के अंदर एच एंटीजन ही नहीं मौजूद है तो जाहिर तौर पर ए बी ओ ब्लड ग्रुप उसके अंदर नहीं आ सकता है और वो एक अलग ब्लड ग्रुप बन जाता है जिसके अंदर हमें ना तो ए देखने को मिलता है, ना बी देखने को मिलता है, ना ओ देखने को मिलता है। अब रही बात थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो और क्लियरिफाई हो जाएंगी, वो ये कि डोनर कैसे मिलते हैं इनको, या फिर ये किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं। देखो ये किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, मतलब ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अपने कम्युनिटी को ही ये ब्लड डोनेट कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी का ही ब्लड ये बेसिकली ले सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी दूसरे का ब्लड ग्रुप नहीं ले सकते हैं क्योंकि इनके पास खुद का एच एंटीजन मौजूद नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में